हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम टैली के अंदर जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, पहले आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग का मतलब यह होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और कोई पर्सन हमारे पास आता है कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन का फर्नीचर तैयार करने, तो उसके लिए हम ये स्पेशल जब फर्नीचर तैयार करेंगे तो उसको हम एक तरह से जॉब कॉस्टिंग बोलेंगे और उसको एक जॉब नंबर देंगे जिसके बेस पे हम उस पर्टिकुलर फर्नीचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आइए मैं आपको सारी एग्जांपल के थ्रू इस टैली के अंदर कैसे हम फॉलो करेंगे वो बताता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले करना क्या है, F11 में जाकर, पहले आप F11 में जाओगे और F11 में आपने अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। इसके अंदर ये ऑप्शन होती है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको आपने यस करना है, और यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, ये दो ऑप्शन है आपने यस करनी है। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, इन दोनों ऑप्शंस को यस करने के बाद आपने इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। और उसके बाद आपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर यहाँ पर ये कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन आ गई है। तो जब कोई पर्सन हमारे पास कोई जॉब के लिए आएगा, यानी कि जॉब, ये वो जॉब नहीं है जो हम सैलरी बेस्ड जॉब करते हैं। जॉब का मतलब जब कोई हमारे पास कुछ प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा, जैसे कोई फर्नीचर बनवाने आया है, तो हम उसका एक जॉब नंबर रखेंगे, यानी कि असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉब नंबर 301, तो ये हमने 301 नंबर जॉब लिख दिया है कि इस बेस पे हम उसका वो फर्नीचर सारा प्रोडक्ट तैयार करेंगे और उसकी सारी कॉस्ट इस जॉब 301 के अंदर कैलकुलेट करेंगे। चाहे मटेरियल का खर्चा है, चाहे लेबर का खर्चा है, चाहे भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको प्राइमरी के अंदर देंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और यहाँ पर आपने यस करनी है ऑप्शन कि यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको आपने यस कर देना है। तो ये हमने जॉब बना ली है। तो ऐसे ही अब हम इसके बाद, ये क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, एक लोकेशन भी क्रिएट करनी है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाके लोकेशन भी हमें एक क्रिएट करनी है। ये लोकेशन भी हमें ऑप्शन एक्टिवेट करनी पड़ती है। F11 में जाकर इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाकर हम यहाँ पर ये मेंटेन, ये देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन, ये देखिए इस स्टॉक कैटेगरी के ऊपर ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखी है, इसको आपने यस कर लेना है। तो हमारे पास ये लोकेशन भी आ जाएगी ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। लोकेशन के अंदर जाकर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देना है जॉब लोकेशन, जॉब 301, जहां पर हम ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके बेस पे हम ये लोकेशन प्राइमरी के अंदर क्रिएट करेंगे। अलो स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी कि इस लोकेशन पर हम मटेरियल भी दिखाएंगे कि क्या मटेरियल हमने इस लोकेशन पे भेजा है। और यहाँ पर सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर कॉस्टिंग के लिए आपने यहाँ पे जॉब 301 सेलेक्ट करना है कि ये जो लोकेशन है, ये जो जॉब नंबर 301 की कॉस्टिंग है, उसके लिए इसको क्रिएट किया गया है। यानी कि हम यहाँ पे सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो हमने जॉब कॉस्ट सेंटर बनाया है जॉब 301, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब हमारा काम शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इन्फो में जाके आपको पता चला कॉस्ट सेंटर बनाना है हमने पहले, और फिर इन्वेंट्री इन्फो में जाके फिर हमें लोकेशन क्रिएट करनी है। इसके बाद आपने अगला स्टेप क्या फॉलो करना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके हम परचेज करेंगे, यानी कि मटेरियल परचेज करेंगे अपने इस जॉब के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने बिल नंबर डालना है जिससे परचेज की है, डेट डालेंगे। मान लेते हैं हमने, ये संदीप एंड कंपनी है जिससे हमने ये गुड्स परचेज की हैं, यहाँ से हम गुड्स परचेज करेंगे, और ये रेगुलर डीलर है जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं। और यहाँ पर आप आइटम इनवॉइस के बेस पे, यानी कि आइटम के बेस पे हमने गुड्स परचेज करनी है, और हम यहाँ पे 18% GST लगा लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज होगी। और यहाँ पे ये हमने आइटम 2 नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। लोकेशन कहाँ पर हम इसको रखेंगे, तो ये हमने जॉब नंबर 301 के लिए ये हम परचेज कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, रेट डालेंगे, तो ये 60,000 का मटेरियल हमने खरीदा है किसके लिए, ये जो जॉब नंबर 301 है उसके लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये खरीदा है। तो इस तरीके से हम ये क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हमने ये परचेज करनी है, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है एंट्री को। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये देखिए, आप GST लगाना चाहते हैं वो आपको लगाना आता है, CGST, SGST, वो टैक्स आपको लगाने आते हैं,
वो आप लगा सकते हो। और परचेज करने के बाद अब आपने क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके हम कुछ एक्सपेंसेस जो है इसके ऊपर पे करेंगे, यानी कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेजिस की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट हो गया और बहुत सारे खर्चे हैं, तो हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ये जो खर्चे हम इस जॉब के अंदर करेंगे। जैसे हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये हम यहाँ पे करते हैं एक्सपेंस, यहाँ पे हम पे करेंगे, हम कैश के अंदर इसकी पेमेंट कर देते हैं, हम वेजेस पे करेंगे, यहाँ पे हम एक वेजेस अकाउंट बना लेते हैं। और ये वेजेस अकाउंट आपने यहाँ पे अंडर, अंडर का मतलब हमें ग्रुप देना है, हम अपना एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी हमारे ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे हम बनाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंसिस। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसिस जहाँ पे ये प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है, उसका हमने ये अकाउंट बनाना है फैक्ट्री एक्सपेंसिस, और ये अंडर देंगे हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं अपना, ध्यान दीजिएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का हमने ग्रुप बना लिया है और कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है। और यहां पर हम अमाउंट डाल देते हैं कि हमने 10,000 का खर्चा किया है, और ये हमसे कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है कि ये खर्चा हमने किसको असाइन करना है। तो 10,000 का खर्चा, ये जॉब नंबर 301 को हम ये 10,000 का खर्चा, यहाँ पे अमाउंट दोबारा डाल देते हैं, 10,000 का खर्चा हम इस जॉब नंबर 301 को असाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम ये एक्सपेंस असाइन करेंगे। और ऐसे ही हम और खर्चे पे करेंगे, जैसे हमने और भी खर्चे पे करने हैं, हम ऑल्ट सी करके एक और अकाउंट बनाएंगे, जैसे ऑफिस एक्सपेंसिस हैं, हमने ऑफिस एक्सपेंसिस, ऑफिस एक्सपेंसिस हुए हैं हमारे, तो जो भी एक्सपेंसिस रिलेटेड हैं इससे, तो ये हम एक और ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस का ग्रुप क्रिएट करेंगे कि ये जो जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसिस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है या फिर ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, एम्प्लॉइज की सैलरी है, तो जो भी खर्चा इस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड होगा वो खर्चा या तो हम फैक्ट्री एक्सपेंसिस में डालेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस, ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर देंगे, क्योंकि ये जितने भी ऑफिस के खर्चे आते हैं तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हम यस करेंगे कि हमें ये कॉस्ट सेंटर को असाइन करना है, अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ पे 5,000 की अमाउंट है, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जॉब नंबर 301 को हमने ये खर्चा असाइन करना है 5,000 का। तो इस तरीके से जो भी खर्चा इस जॉब से रिलेटेड होगा, 301 से रिलेटेड होगा, वो खर्चा हम इसको असाइन करते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कैसे हम ये एक्सपेंसेस इसको असाइन करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने ये मान लेते हैं जितने भी खर्चे होंगे वो आपने डालते जाने हैं, और जो कॉस्ट सेंटर है उसको असाइन करते चले जाने हैं। और इसके बाद आपने ये जो हमने, अगर डिटेल देखनी हो डिस्प्ले में जाके आप ये डिटेल देख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर आप जाके डिटेल देख सकते हो, जॉब नंबर 301 कि कितने खर्चे अभी तक हमने इसको डाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो हम जॉब जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उसके अंदर कितने खर्चे असाइन हुए हैं, जैसे ये डायरेक्ट एक्सपेंसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, और आप देख सकते हो कि ये मटेरियल 60,000 का हमने इस प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए परचेज किया है। तो यहाँ पे ये एड इनवर्ड के अंदर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसिस के ऊपर एंटर करोगे तो ये आपको बताएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसिस में फैक्ट्री एक्सपेंसिस हैं, अगर इसके ऊपर एंटर करोगे तो ये बताएगा कि फैक्ट्री एक्सपेंसिस का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर ये वेजिस का खर्चा है, ठीक है। और ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस लिए हैं, और एंटर करोगे तो ये बता रहा है कि इसके अंदर ये ऑफिस एक्सपेंसिस है। तो आप ऐसे जितने भी एक्सपेंसिस इस जॉब से रिलेटेड है वो इसको असाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है हमारा, कि अब हमने ये जो मटेरियल ट्रांसफर किया है, परचेज किया है, उसको हमने कंज्यूम्ड करना है, यानी कि वो हमने जॉब बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर लिया है, उस जॉब के अंदर यूज कर लिया है। तो हम इन्वेंट्री या अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर हमें एक अपना वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर के अंदर चलेंगे तो हम यहाँ पर एक जॉब मटेरियल कंज्यूम्ड का, ये देखिए जॉब मटेरियल कंज्यूम्ड का हमें एक वाउचर बनाना है, और अंडर ये हमें स्टॉक जर्नल के अंदर बनाना है,
सेट टाइप ऑफ वाउचर स्टॉक जर्नल कि जो मटेरियल हमारा ये जॉब नंबर 301 पे पड़ा है उसको हमने कंज्यूम करना है, तब वो हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। तो ये आपने क्रिएट करना है और यहाँ पर नेम ऑफ क्लास के अंदर आपने लिख देना है कंज्यूम, यहाँ पे आपने कंज्यूम लिख देना है, कंजम्पशन लिख दीजिए या कंज्यूम्ड लिख दीजिए। और यहाँ पर जब ये एक विंडो ओपन होगी यहाँ पे आपने यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन कि ये जो हम स्टॉक जर्नल यूज कर रहे हैं इसको जो मटेरियल हमारा जॉब के ऊपर पड़ा होता है उसको कंज्यूम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपने देना है इसको। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम ये वाउचर क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपने अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर के अंदर, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाना है और स्टॉक जर्नल ये ऑप्शन है ऑल टैब 7 प्रेस करना है या स्टॉक जर्नल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जॉब कंजम्पशन ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि हमने जो जॉब कंजम्पशन का वाउचर बनाया है, और क्लास सेलेक्ट करनी है कंजम्पशन, तो ये आपका कंजम्पशन की बेस पे मटेरियल कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करनी है कौन सी आइटम कंज्यूम्ड हुई है, आइटम नंबर 2, और लोकेशन कौन सी लोकेशन से कंज्यूम हुई है, लोकेशन जॉब नंबर 301 पर जो हमने मटेरियल भेजा था लोकेशन पे वो कंज्यूम्ड हुआ है। क्वांटिटी मान लेते हैं पूरी क्वांटिटी यूज हो गई है 300, तो इस तरीके से आपने एंट्री बस इतनी एंट्री डालनी है कंजम्पशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। अगर आप अब डिस्प्ले के अंदर जाकर देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर आप एनालाइज करोगे तो ये देखिए ये जो मटेरियल आपका इनवर्ड में पड़ा था, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा था हमें पहले कि ये क्लोजिंग पड़ा है यानी कि अभी हमने कंज्यूम नहीं किया था, अब ये ऊपर देख सकते हैं कंजम्पशन हो चुकी है इसकी 60,000 और ये हमारी जॉब की कॉस्ट आ चुकी है 75,000। ये हमारी जॉब की कॉस्ट आ चुकी है कि हमारी जॉब की कॉस्ट कितनी है 75,000। इसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर मान लेते हैं ये जॉब कंप्लीट हो चुकी है, सारे एक्सपेंसेस पे हो चुके हैं, प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है, अब हमने इसको सेल करना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं तो हम इसकी एंट्री सेल के अंदर एज अकाउंटिंग इनवॉइस के बेस पे हम एंट्री डालेंगे इसकी। ठीक है, कि हमने इसको सेल कर दिया तो पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, मान लेते हैं सुमित एंड कंपनी के लिए ये प्रोडक्ट बनाया है और यहाँ पे वो रेगुलर डीलर है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि हमने ये जो सेल की एंट्री डालनी है, यहाँ पे हम सेल कर देते हैं कि 18% GST पे हमने सेल की है, अमाउंट डाल देते हैं 1 लाख की हमने यहाँ पे इसकी सेल की है। ठीक है, 1 लाख, और यहाँ पे आपने जॉब सेलेक्ट करनी है कि ये जॉब किसकी है, यानी कि जॉब नंबर, ये सेल जो है किस जॉब की है, जॉब नंबर 301 की सेल है यानी कि इस जॉब के ऊपर जो प्रोडक्ट बना है उसकी ये सेल है 1 लाख, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और नीचे इसके आप आउटपुट CGST लगा सकते हैं 9% और आउटपुट SGST लगा सकते हैं 9%। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है और ये एंट्री आप सेव कर लीजिए। अब आप जब सेल के अंदर जाके देखोगे, डिस्प्ले के अंदर जाओगे और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जॉब एनालिसिस के अंदर जाओगे, जॉब नंबर 301, तो ये देखिए सेल की एंट्री डल चुकी है और हमें ये बता रहा है कि इस जॉब के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। एक 1 लाख की सेल है, कंजम्पशन 60,000 की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 और टोटल एक्सपेंस 75,000 और ये नेट प्रॉफिट 25,000 का। तो जितनी भी आपकी जॉब्स हैं इस तरीके से आप उनके एक्सपेंसेस की एंट्री डालते जाइए और कॉस्ट सेंटर को असाइन करते जाइए और जो लोकेशन के ऊपर हमारा मटीरियल पहुंचा है यानी कि 301 उसकी कंजम्पशन की एंट्री फिर हम डालते हैं स्टॉक जर्नल, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एंड में हम सेल की एंट्री डालते हैं और ये कॉस्ट सेंटर आपने असाइन करते चले जाने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये जॉब के बेस पे कॉस्ट और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं।